हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आज ये दशहरा आप सबकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, खुशियां लेकर आए। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर शमशी ज्वाला माता मंदिर में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। और मैंने कहा नया फोन लिया है तो उसके लिए सबसे पहले यहीं पर माता के मंदिर से, यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, क्योंकि माता का आशीर्वाद हमेशा हम पर आया है। तो बस दोस्तों अब मैं आपको ये थोड़ा सा मंदिर दिखा लेता हूँ एक बार। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों ये ज्वाला माता शमशी में। तो दोस्तों ये है ज्वाला माता मंदिर शमशी। हम यहाँ से थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे आपको। यहाँ से भी दोस्तों हमारी माता भी ज्वाला माता जो है भी कुल दशहरे के लिए जाएंगे। ये दोस्तों हमारे मित्र भी हमें मिल चुके हैं यहाँ पर, संजीव भाई। और दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत भाई आपको भी। नवरात्रों में दोस्तों बहुत काफ़ी पब्लिक होते हैं यहाँ पे, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। और हम भी नवरात्रे में आए थे बट उस टाइम मेरे पास ओल्ड फ़ोन था तो मैं इसलिए बनाया नहीं ब्लॉग वहाँ पे। तो सोचा हम नए फ़ोन के साथ ही शुरुआत करते हैं। भाई दोस्तों आपको अंदर का नज़ारा देख। ये देखिए दोस्तों छोटे छोटे बच्चे आए हैं यहाँ पे मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने। ये दोस्तों रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही बहुत ही अच्छा मतलब वुडन की कारीगरी में बनाया गया मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वीडियो है ना? तो दोस्तों अभी हमने माता के दर्शन कर लिए हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं माता के ज्वाला माता मंदिर में। और दोस्तों अभी यहाँ से हम निकलेंगे अपनी मंजिल की ओर। ऑफिस को जाना, थोड़ा सा काम वहाँ पर रह गया है और उसके बाद देखते हैं क्या प्लान रहता है आगे का। फिर आज कुल्लू का दशहरा भी है, फिर वो भी देखना है। छोटा सा एक ब्लॉग वहाँ का भी हो जाए आपके लिए। दोस्तों कुल्लू में हमारे इस तरह के ही पालकियाँ होती रात होते हैं देख देखता हूँ के। बाकी दोस्तों असली मज़ा भी कुल्लू दशहरे में आने वाला है, वहीं पे मिलेंगे आपसे। और तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों अभी हम कुल्लू में पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ से हम आगे जाएंगे। रिसेंटली स्कूल को फिर से स्टार्ट किया मतलब के, अब यहीं से निकलेंगे दशहरे के लिए। और ये तो दोस्तों हम यहाँ से अभी जा रहे हैं कुल्लू की ओर। और ये ज़बरदस्त नज़ारा आज कुल्लू का दशहरा दोस्तों काफ़ी पब्लिक रहती है जिससे आपको अच्छा लगेगा। अभी मेन जो व्यू रहेगा वो फिर रहेगा जहाँ से रघुनाथ जी का रथ नहीं चलाया जाता है कुल्लू की ओर। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे सामने देख सकते हैं दोस्तों आप, पिक्चर यहाँ पे बड़ी मस्त आएगी। ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्लैग्स भी लगाए हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज काफ़ी पब्लिक रहेगी कुल्लू दशहरा जाने के लिए। मेन अट्रैक्शन दोस्तों ऊपर रहेगा रघुनाथ जी कुल्लू।
दोस्तों यहीं से निकलेंगे मोपुर मार्केट की ओर। मतलब ज़्यादा बड़े बड़े क्लिप नहीं बनाऊंगा यहाँ से मैं, क्योंकि मेन अट्रैक्शन कवर करना है। तो ये सब हम देख सकते हैं दोस्तों कितना क्राउड है आज यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से निकले यहाँ से भी। और यहाँ से ऊपर दोस्तों मार्केट यहाँ कुल्लू में लोअर ढालपुर की, बस यहीं से ऊपर जा रहे हैं। पीछे काफ़ी ट्रैफिक था, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था हमारे लिए भी। ये देखिए दोस्तों कितने पब्लिक आ रही ऊपर से आज। तो दोस्तों अभी हम कुल्लू की ओर जा रहे हैं ऊपर। जल्दी ही दोस्तों हम आपको ऊपर कुल्लू के शहर में जो मेरा अट्रैक्शन रहता है जैसे आज उन्हें चलाएंगे, वो उस टाइम काफ़ी पब्लिक होती है वो दिखाएंगे। ज़बरदस्त भीड़ है दोस्तों आज यहाँ पे, जैसे कि हर साल की तरह होती है। फाइनली दोस्तों हम यहाँ से अभी ऊपर आ चुके हैं और बस अब यहाँ से अंदर जाएंगे, यहीं पे रघुनाथ जी का रथ होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कितनी भीड़ है आज। किस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कितना क्राउड है यहाँ पे कुल्लू में और सभी भी दूर से आए हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे तो काफी क्राउड है। जिस घर के आगे बड़ा सा खेत है उसके शार कहेंगे, और वैसा एक कोट के आगे का शार वो ताजे शार। इसी ढालपुर को ढालपुर भी कहते हैं। बहुत सारे दर्शक तो जो व्यूअर्स रहेंगे दोस्तों हमारे, मतलब कि यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे इस बात को, कुल्लू का दशहरा यहीं से दिखाएंगे फोन पे। उनके नाम पर एक राजा जगत सिंह ने आमंत्रित किया। ये दोस्तों रघुनाथ जी का रथ है, तो उनके लिए कोई विशेष स्थान नहीं था। तो उस वक्त की रानी जिनके धान के रोपे थे, धान तो बाई होती थी, उन्होंने ये गिफ्ट किया इस दशहरा उत्सव को मनाने के लिए। बहुत सारे देवी देवता भी यहाँ पे रघुनाथ जी के रथ को काफी नीचे ले जाते हैं, बहुत ही अच्छा मेमोरेबल मोमेंट रहता है दोस्तों, हर साल रहता है। वो आपको भी पसंद आएगा ये सब कुछ आप देखेंगे। वेट करिए दोस्तों हम सभी की तरह, जैसे कि बाकी पब्लिक यात्रा के लिए तो बड़े सोच का काम है। और इस वर्ष ये दिखाया है दशहरा उत्सव समिति ने कि एक नए रूप में उन देशों के, हालांकि बहुत से लोग हम विदेश नहीं जा पाते, विदेशी संस्कृति को नहीं देख पाते, पर वो ही देशी संस्कृति हमारे मध्य में लाई है। हम पास से देखे नाचते हैं, हम कैसे नाचते हैं, देशी लोग कैसे नाचते हैं, यूरोप के लोग कैसे नाचते हैं। बहुत सारे देवी देवता आएंगे, अभी तो कुछ देवता आए हैं यहाँ पे रघुनाथ जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। जबरदस्त नज़ारा होगा दोस्तों, थोड़ी देर बाद देखेंगे आप, बहुत क्राउड होगा और बहुत सारे देवी देवता होंगे यहाँ पे अभी। Thank you.
काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है दोस्तों आज यहाँ पे देख रहे हैं आप, हर साल की तरह जैसे आप जाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं। आते हुए राम से राम से राम से जय हो हर हर महादेव। वो देखिए दोस्तों सामने ब्लॉगिंग करता हूँ। अच्छा
से रथ नीचे ले गए हैं रघुनाथ जी का, और दोस्तों नीचे वहीं पर लेके जाएंगे आपको, और थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं, थोड़ा आगे जाके पसंद आएगा।
और सन बज रही है कोई नहीं चलवा के मिलते आज दोस्तों बाकी मार्केट का कोई ब्लॉग नहीं बनाएंगे बट ये है कि रथ यात्रा ही रहेगा आज मेन क्योंकि आज रथ यात्रा ही स्पेशल रहती है बाकी हम बाद में भी ब्लॉग बना सकते हैं तो अभी दोस्तों हम नीचे जाएंगे एक बार रघुनाथ जी के दर्शन करने दूर से आपको रघुनाथ जी का रथ दिखा देते हैं क्योंकि आज तो पास जाने का टाइम नहीं हो बहुत सारे पब्लिक है तो जा नहीं सकते हैं ब्लॉग जल्दी एंड करना पड़ेगा क्योंकि चारों तरफ से यहाँ देवी देवता अब अपने अपने शिविर की ओर जा रहे हैं जान के स्थान होते हैं तो ये उड़ा तो दोस्तों भी यहाँ पे रघुनाथ जी रथ लाया गया है और
सामने दोस्तों एक पंडाल है, वहाँ पर रमना जी विराजमान होते हैं। उसके बाद अभी बाकी जितना अपने अपने जहाँ स्थान है वहाँ भी जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को भी जल्दी क्लोज करना पड़ेगा, अंधेरा भी हो रहा है। नाइट व्यू है दोस्तों यहाँ पे, और भाई ऐसी भीड़ में निकलना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों ये हमारे कुछ सर हैं टूरिज्म वाले, तो आज इनसे भी मिलना होगा कुल्लू दशहरा में। अच्छा लग रहा है इनसे मिलके भी। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। बहुत ज्यादा क्राउड है दोस्तों आज के दिन, बहुत ज्यादा। मैं बुरथापुर जाऊँ आज मेला, सर ब्लॉग में आना चाहेंगे। हाँ हाँ भाई पूरे आले आज क्या बताए। हाँ दोस्तों कुछ जलेबी का टेस्ट करवाते हैं जरा यहाँ पे कुल्लू दशहरे की। क्या बताएं दोस्तों, जलेबी ढूंढ ले गए कुल्लू दशहरे में, इतनी जलेबी लगी पहले दिन कि जलेबियां नहीं मिल रही थी मार को, कंप्लेंट करनी पड़ी। और 8-10 दुकानें देखी भी, उसके बाद जाके जलेबी मिली हमें, वो भी बनानी पड़ी वहाँ पे, बाकी तो कुछ एक दुकानों में खत्म हो गई थी। बड़ा मुश्किल है भाई दशहरे में जलेबी ढूंढना। दोस्तों ये था आज हमारा कुल्लू दशहरा में रथ यात्रा वाला ब्लॉग, आई होप दोस्तों आपको ये पसंद आएगा। ये एक्चुअली मैंने आज और ब्लॉग नहीं बनाए,
स्पेशली कुल्लू का दशहरा जो कुल्लू रथ यात्रा होती है बिल्कुल यूनिक रहती है बाकी जगह से। तो मैंने सोचा आज सिर्फ यही ब्लॉग बनाएंगे, बाकी जो ब्लॉग होंगे वो नेक्स्ट डे में अलग अलग प्लेसेज में जो जिस तरह से रहेंगे, क्या स्टॉल है, कौन कौन सी मार्केट्स हैं, वो सब हम बनाते रहेंगे। पर मेन जो अट्रैक्शन दोस्तों रहता है वो आज का जो रहता है, इसी ब्लॉग बना देते आज। और दोस्तों बाकी ब्लॉग मैं नहीं बनाऊंगा और आज थक भी गए बहुत, और जल्दी मिलेंगे दोस्तों आप सबके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहें, और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।